In this video, we are going to cover a topic of developmental biology, which is development of rabbit. इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि basically whatever is under the fifth semester syllabus of development of rabbit under developmental biology. अभी इसमें हम पढ़ेंगे कि रैबिट जो होता है उसके सेक्सुअल फीचर्स क्या होते हैं और उसके गैमीट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके गैमीट्स विजिबली कैसे होते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फर्दर जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्लीवेज कैसे होता है, इस सब के बारे में जानेंगे. एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्लीवेज, जैसे मोरूला बनता है जायगोट से, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टोसील के बारे में पढ़ेंगे और कैसे इम्प्लांटेशन होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट में हम जो है वो गैस्ट्रुलेशन भी कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ब्लास्टोसिस्ट जो है वो थ्री जर्म लेयर्स में डिवाइड होकर एक गैस्ट्रुल बनाता है. ये सब इवेंट्स को जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. इफ इट गेट्स लेंथी आई विल बी कटिंग दिस वीडियो इनटू टू पार्ट्स. तो ब्रीफ में जितना हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जितना नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है हम वो इस वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहले वी नीड टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रैबिट इज. तो जो रैबिट होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक टिपिकल प्लेसेंटल यूथेरियन मैमल की तरह होता है. और जिनको नहीं पता, मेमेलिया जो है वी नो उसकी सब क्लासेस होती हैं और सब क्लासेस में आते हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथेरिया. तो ये जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं ये डायरेक्टली फुली डेवलप्ड यंग वंस को बर्थ देते हैं और रैबिट भी फुली डेवलप्ड यंग वन को जो है वो बर्थ देता है. और अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को फुली डेवलप्ड यंग वन को बर्थ देना है तो इम्प्लांटेशन, प्लासेंटा फॉर्मेशन आर वेरी नेसेसरी इनसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उस यंग वन को जो है वो नरिशमेंट के लिए ये सब जो है वो इम्पॉर्टेंट है. तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो रैबिट होता है वो एक यूनिसेक्सुअल एनिमल होता है. मतलब या तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो मेल हो सकता है या फिर वो फीमेल हो सकता है. नाउ अभी रैबिट जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली देखकर ही आप जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल. मतलब सेक्सेस उनके जो है वो हम डिटर्मिन कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली उन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो जो मेल होता है, मेल जो है इट हैज़ टेस्टिस ऑब्वियसली, और जो टेस्टिस होती हैं ओवल शेप्ड होती हैं और एक्स्ट्रा अबडोमिनल होती हैं पोजीशन में, मतलब दे आर हैंगिंग आउट ऑफ द अबडोमिन और दे आर डिसेंडेड इन स्क्रोटल सैक्स. उसके बाद फीमेल की बात की जाए तो इनमें जो है वो वेंट्रल बॉडी सर्फेस के ऊपर देर आर मैनी पेयर्स ऑफ निपल्स, जिससे कि पता चल जाता है कि शी इज़ अ फीमेल. नाउ गैमीट्स की बात की जाए तो गैमीट्स, इसमें मेल में जो है वो स्पर्म होता है और जो फीमेल होती है उसमें ओवम होता है. नाउ स्पर्म इसका जो है दैट इज अ टिपिकल स्पर्म, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, फ्लैजिलेटेड और मोटाइल ऑब्वियसली. इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडल पीस एंड टेल. लेट अस हैव अ लुक. ऐसे करके इसका स्पर्म होता है रैबिट का, लाइक अ नॉर्मल स्पर्म. इसमें एक हेड होता है जिसमें एक्रोसोम होता है टिप के ऊपर और न्यूक्लियस होता है, फिर एक मिडिल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद टेल होती है जिसमें कि एक्जोनीन, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्जोनीन प्रेजेंट होता है उसकी प्रोपल्शन को हेल्प करने के लिए, राइट. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेट जो होता है वो कैसा होता है. तो फीमेल गैमेट रैबिट में ओवम होता है. और अभी रैबिट में एक स्पेशल चीज़ कि अनलाइक ह्यूमंस, जैसे कि हम भी मैमल्स हैं लेकिन अनलाइक ह्यूमंस जो है रैबिट में इंड्यूस्ड ओविलेशन होती है, रेगुलर ओविलेशन नहीं होती, इंड्यूस्ड ओविलेशन होती है. मतलब कि जब वो मेटिंग करते हैं तो उनमें जो है वो ओविलेशन इंड्यूस होती है, मतलब वो रेगुलर तरीके से ओविलेट नहीं करते. मेटिंग के 10 to 12 आवर्स के बाद उनमें ओविलेशन होती है और ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, फेब टू जून मंथ के बीच में जो है ये ब्रीडिंग करते हैं. उसके बाद जो ओव्यूलेशन होती है वो ओवम स्टेज पे होती है एग की, और ये रिलीज होता है ऑब्वियसली इनफंडिबुलम में, ठीक है. ये जो एग ये रिलीज करते हैं वो माइक्रोलेसिथल होता है, मतलब कि उसमें लेस अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट होता है. माइक्रो मीन्स लेस, लेसिथल इज रिलेटेड टू योक, सो लेस अमाउंट ऑफ योक. नाउ इसमें जो है जो एग होता है उसमें जो है ओवम होता है उसमें डेफिनेट पोलैरिटी होती है. कैसे, लेट्स सी. यहाँ पे दिस इज द ओवम,
अभी ये जो ओवम है इसके बीच में डेफिनेट पोलैरिटी है, ये जो न्यूक्लियस कंटेनिंग पोल है उसे एनिमल पोल कहा जाता है और उससे जो ओपोजिट पोल है दैट इज़ द वेजिटल पोल। अभी ये जो हमारा पूरा का पूरा ओवम होता है इसमें जो है वो एग एनवेलप्स होते हैं, ये जो है वो एग एनवेलप्स के साथ जो है वो सराउंडेड होता है जिसमें कि कुछ मेमरेन्स आती हैं जैसे कि विटिलिन मेमरेन होती है, जोना पेलुसीडा होता है और उसके बाद लास्ट में जो है वो कोरोना रेडिएटा होता है जिसमें फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, राइट। तो ये एक जो है वो हमारा ओवम का स्ट्रक्चर है। तो अभी देखने की बात ये है कि एक जो हमारा रैबिट का जो ओवम होता है उसकी जो वायबिलिटी होती है, मतलब कि वो कितने टाइम के लिए जो है वो अलाइव रहता है, इट इज़ लिविंग फॉर ओनली 6 आवर्स, उसके बाद जो है वो अल्ब्यूमिन से कवर हो जाता है एंड इट इज़ नो मोर लिविंग। इसके बाद जो भी इवेंट्स मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दोज आर रिटन थियोरेटिकली इन नोट्स में मेरे, बट फर्दर मैं एक डायग्राम की हेल्प से उसे मोर एफिशिएंट वे में जो है वो बताऊंगी। लेकिन फॉर नाउ क्या रहता है कि ये जो रैबिट है इसमें जो फर्स्ट क्वाइटस होता है वो इसकी बर्थ लेने के 100 डेज ऑफ एज में, मतलब कि आफ्टर बर्थ 100 डेज के बाद जो है वो फर्स्ट क्वाइटस जो है ये परफॉर्म करते हैं, जिसमें अफेक्टिव मेटिंग भी उसके बाद ये 135 to 140 डेज के होते हैं जब तब इनकी होती है। तो उसके बाद जो स्पॉन्स हैं वो जो है वो डिस्टल एम्पुला जो है फेलोपियन ट्यूब में, हम सबको पता है कि एम्पुला रीजन होता है, स्पर्म जो है वो वहाँ पहुँचता है 30 मिनट्स ऑफ कोइटस के बाद और जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। दिस इवेंट जो है इट रिप्रेजेंट्स द फर्टिलाइजेशन इन रैबिट, और जो फर्टिलाइजेशन है वो मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन है, मतलब कि एक ही स्पर्म एक ही ओवम को फर्टिलाइज करता है। ओके, नाउ क्लीवेज। क्लीवेज सिंपली क्या होता है कि एक बार जो है वो एग फर्टिलाइज हो गया है विच इज़ कॉल्ड जाइगॉट, जाइगॉट बन चुका है, फर्टिलाइज्ड एग जो है अब वो फेलोपियन ट्यूब से मूव करना शुरू कर देता है यूट्रस की तरफ पेरिस्टाइलसिस से। पेरिस्टाइलसिस वी ऑल नो कि किसी भी ट्यूब में वो जो कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्सेटरी मूवमेंट्स होती हैं जिनकी वजह से उनके बीच का कॉन्टेंट आगे प्रोपगेट करता है, पेरिस्टाइलसिस वो होती है, उसकी हेल्प से जो है वो हमारा जो फर्टिलाइज एग है वो आगे फर्दर फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ मूव करने लग पड़ता है। डायग्रामेटिकली आगे बताऊँगी, लेकिन जो क्लीवेज है अब जैसे जैसे वो मूव करेगा, लेट मी शो यू, ऐसे इट विल बी मोर क्लियर। तो जैसे यहाँ पे जो है हमारा ये ओवरी है, ओवरी ने ओवम रिलीज किया, ये चला गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर इनफंडिबुलम में, और उसके बाद जो है वो ये एग जो है जब वो डिस्टल एम्पुला में पहुंच गया तो यहाँ से जो है वो स्पर्म विल रीच ओवर हेयर और यहाँ पे ये इसको फर्टिलाइज कर देगा, स्पर्म ने इस एग को फर्टिलाइज कर दिया ओवम को, उसके बाद जो है क्लीवेज जो है वो शुरू होगी, मतलब स्पर्म ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा वो फर्दर मूव करना शुरू कर देगा यूट्रस की तरफ। अब एक बार जब ये यूट्रस की तरफ मूव करना शुरू कर देता है तो साथ साथ में साइमल्टेनियसली उसकी डिवीजन भी होती रहती है, वो सिंगल सेल्ड ही नहीं रहता, इस पैसेज में वो डिवाइड भी करता है साथ साथ में। तो अभी यहाँ पे ये सिंगल सेल्ड है, ठीक है, इसकी स्टेजेस जो है वो आउटसाइड एरो लगाकर रिप्रेजेंट की गई हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है कि एक बार ये फर्टिलाइज हो चुका है उसके बाद जो है वो इसमें डिवीजन होगी, क्लीवेज होगी इसकी, राइट। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्लीवेज किस तरीके से होगी। तो यहाँ पे जो है ये मूव करेगा यूट्रस की तरफ पेरिस्टाइलसिस से, जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक होगी, होलोब्लास्टिक वी ऑल नो की कंप्लीट क्लीवेज को होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं, और अनईक्वल क्लीवेज होगी। अब अनईक्वल क्यों होगी, हमने पहले ही डिस्कस किया कि इसमें कुछ अमाउंट में तो योक प्रेजेंट है। अब जिस एग में योक होता है उसमें जो है वो क्लीवेज कभी भी यूजुअली पूरे तरीके से नहीं हो पाती, तो दैट इज वाई अनईक्वल क्लीवेज होगी, मतलब कि जो एक सेल को डिवाइड करके फर्दर सेल्स बनेंगे, मतलब ब्लास्टोमेर्स जो बनेंगे वो जो है वो सेम साइज के नहीं होंगे, कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। तो जो जो बड़े होंगे वो होंगे मैक्रोमेर्स, और जो ब्लास्टोमेर्स छोटे होंगे दोज आर द माइक्रोमेर्स, राइट। और एसिंक्रोनस टाइप ऑफ क्लीवेज होगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे एक सेल जो है वो फर्दर दो में डिवाइड कर गया, अब वो जो दो हैं फर्दर वो जरूरी नहीं है कि साइमल्टेनियसली ही डिवाइड करेंगे, वो हो सकता है एक पहले कर जाए एक बाद में कर जाए, तो दैट इज़ द एसिंक्रोनस टर्म इज़ यूज फॉर दिस थिंग। अब क्या रैबिट में क्या होता है कि आफ्टर टू आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो वो हमारा जाइगोट होगा वो 11 सेल्ड स्टेज में पहुंच जाएगा डिवाइड करके क्लीवेज अंडरगो कर, उसके बाद 4 आवर्स के बाद 20 सेल्ड हो जाएगा, 8 आवर्स के बाद 30 सेल्ड हो जाएगा। तो हम सबको पता है कि जाइगोट जो है जब वो क्लीवेज अंडरगो करता है तो वो मोरूला बनाता है, मोरूला एक सॉलिड बॉल या सॉलिड मास ऑफ सेल्स होता है जिसमें सभी सेल्स जो है वो कॉम्पैक्टली एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं और वो प्रेजेंट होता है एज अ सॉलिड मास ऑफ सेल्स ऑफ ब्लास्टोमेर्स, ठीक है, उन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमेर्स। अभी जब ये 32 to 64 सेल स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कंपैक्शन। कंपैक्शन का मतलब ये है कि जितने भी ब्लास्टोमेर्स वहाँ प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो
मतलब जितना एफिशिएंटली जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं, वो मैक्सिमम कांटेक्ट एक दूसरे के साथ ब्लास्टोमर्स एस्टैब्लिश करते हैं, और ये इसमें जो हेल्प करता है केमिकल उनको, एडहेसिव केमिकल, वो होता है ई कैथरीन. ओके, नाउ जो ब्लास्टोमर्स होते हैं अभी वो रीअरेंजमेंट अंडर, अभी तक वो मोरूला स्टेज पे है. अभी मोरूला तो एक बॉल ऑफ सेल्स है, सॉलिड मास है. अभी क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो रीअरेंज करेंगे और एक ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन होगी, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होगी. दैट आई विल टेल यू कैसे. क्या रहता है कि लुक, यहाँ पे अभी ये देखी जाए चीज़, तो यहाँ पे सिंगल सेल जाइगोट था, अभी इस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में इसकी क्लीवेज हो गई. ये जो है वो टू सेल स्टेज पे है. अभी टू सेल स्टेज के बाद रोटेशनल क्लीवेज होगी, जिसमें कि एक इस प्लेन में क्लीवेज होगी और एक इस प्लेन में क्लीवेज होगी, ऐसे करके. तो ये बन जाएंगे और ये ऊपर नीचे ऐसे, तो फोर सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा. ठीक है, तो क्लीवेज वाले सेप्टम में ऑल नो रोटेशनल क्लीवेज कैसे होती है, एक जो है वो इस तरीके से होगी जिसमें ऊपर नीचे सेल डिवाइड कर जाएंगे, और एक क्लीवेज जो होगी वो इस प्लेन में होगी जिसमें आगे पीछे जो है वो सेल्स जो है वो डिवाइड कर जाएंगे. तो फिर ये जो है वो फोर सेल स्टेज, ये वाले सेल्स आगे पीछे हैं, ये ऊपर नीचे हैं, ऐसे क्लीवेज हो रखी है. उसके बाद फोर सेल स्टेज पे पहुंच गए. अब ये यहाँ पे जो है वो लूजली पैक है. अभी इनकी कॉम्पैक्शन होनी है मोरूला स्टेज पे, जब ये 32 टू 64 सेल्ड होंगे जो अभी हमने पढ़ा. तो उसमें ये मोरूला स्टेज में है. अभी इनकी जो है वो क्या होगा, फर्दर डिवीजन डिवीजन होगी, बहुत सारी क्लीवेजेस होंगी और बिहेवियरल चेंज आएगा. इनकी कॉम्पैक्शन होगी और ई कैथरीन से ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और मोरूला बन जाएगा. राइट, अभी अभी तक तो हमारे पास इसके अंदर मैक्रोमेयर्स भी हैं और माइक्रोमेयर्स भी हैं. ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स बड़े छोटे. अभी क्या होता है, इसके बाद का इवेंट क्या होता है, जिसमें ये रीअरेंजमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, वो जो है वो रीअरेंजमेंट होगी. कैसे, अभी क्या होता है ना कि जो ये सेल्स होते हैं ये रीअरेंज कर जाएंगे, और जो माइक्रोमेयर्स होते हैं वो सराउंड कर लेते हैं इस पूरे के पूरे हमारे ब्लास्टोसिस्ट को. ठीक है, और जो बीच में सेल्स बचते हैं वो होते हैं मैक्रोमेयर्स. अब ये मैक्रोमेयर्स बीच में आ चुके हैं. अभी ये जो मैक्रोमेयर्स हैं इन्हें हम इनको एक टर्म दी जाती है, और ये माइक्रोमेयर्स जो सराउंड कर रहे हैं इनको अलग टर्म दी जाती है. तो आउटर लेयर माइक्रोमेयर्स की इनको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, ये न्यूट्रिटिव होती है और फर्दर जो है ये एम्ब्रियो का कोई भी पार्ट नहीं बनाती, बस इन माइक्रोमेयर्स का ट्रोफोब्लास्ट बनाना है इन्हें और इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. और ये जो बीच में जो मैक्रोमेयर्स होते हैं ये जो है ये अलग से सेल बनाते हैं, इन्हें कहते हैं इनर सेल मास. ये होते हैं, इसको कहा जाता है मैक्रोमेयर्स को इनर सेल मास. अभी क्या होता है, ये वन साइड ऑफ द मतलब कि चले जाते हैं ब्लास्टोसिस्ट के, एक साइड पे चले जाते हैं. ठीक है, अभी ब्लास्टूला जो है वो बन रहा है इधर, तो क्या होगा, वो सभी सेल्स एक तरफ चले गए हैं और यहाँ पे एक कैविटी क्रिएट हो गई है. अब इस कैविटी में है क्या, एक्चुअली क्या होता है, इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील. और ब्लास्टोसील जो है फिर क्या करती है, अब्जॉर्प्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ यूट्राइन मिल्क सेक्रेटेड बाय द यूट्राइन ग्लैंड. यूट्राइन ग्लैंड होते हैं ऑब्वियसली यूट्रस में, जो यूट्राइन मिल्क सेक्रेट करते हैं, और ये ब्लास्टोसील उसे अब्जॉर्ब करती है, मतलब ब्लास्टोसिस्ट उसे अब्जॉर्ब करता है और वो साइज में इंक्रीज हो जाता है, और ब्लास्टोसील भी इंक्रीज हो जाती है साइज में. अभी ये हमने बात कर ली कि आउटर लेयर जो है वो माइक्रोमेयर्स की ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं उसको, वो न्यूट्रिटिव होती है फंक्शन में, एक्स्ट्रा जो है वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाती है, वो बाद में पता चलेगा क्या होती है. उसके बाद इनर सेल मास होता है, उसे एम्ब्रियोनल नोब भी कहते हैं, वो माइक्रोमेयर्स की बनी होती है, और जो है वो इनर साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिक पोल जो है वो ट्रोफोब्लास्ट के पोल के पास जो है वो प्रेजेंट होती है. और ये जो इनर सेल मास होता है दैट इज कॉल्ड द प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, इससे जो है वो एम्ब्रियो जो है वो बनता है बाद में. ठीक है, उसके बाद ये होता है कि अभी क्या होता है, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूट्राइन मिल्क इन ब्लास्टोसील, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो फ्लैटन हो जाता है. वो मैं बताती हूँ कैसे होता है. एक्चुअली अभी ये आपके पास ये था, ये ट्रोफोब्लास्ट मतलब इसके अंदर जितने भी माइक्रोमेयर्स थे वो साइड में चले गए और वहाँ ट्रोफोब्लास्ट बन गई, और जितने भी माइक्रोमेयर्स थे वो एक पोल पे इकट्ठे हो गए, इनर सेल मास बना दिए, इनर सेल मास बना दिए. इनर सेल मास बनाने के बाद ये जो है वो एम्ब्रियो के प्रिकर्सर है, ये इनकी फंक्शन जो है वो न्यूट्रिटिव है, इसके बीच में इसने यूट्राइन मिल्क जो है वो अब्जॉर्ब कर लिया है, और इसका जो ब्लास्टोसील है ये जो एम्प्टी स्पेस है दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसील, इसका साइज इंक्रीज हो गया. अभी क्या होता है कि ज्यादा यूट्राइन मिल्क सेक्रीट मतलब जब अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं ये एक तरीके से धकेल जाते हैं ऊपर की तरफ और फ्लैट हो जाते हैं. अब ये जो फ्लैट होते हैं ये ब्लास्टो डिस्क बना देते हैं. ठीक है, एक तरीके की बाइलेयर होती है, ये ब्लास्टो डिस्क बन चुकी है अब. ठीक है, अभी इसके भी एंड्स होते हैं. ठीक है, अभी इसके जो ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूट्राइन मिल्क ब्लास्टोसील के अंदर क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट जो होती है वो फ्लैटन हो जाती है और एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है. ये ब्लास्टो डिस्क ही एम्ब्रियोनिक डिस्क है. अब ये जो डिस्क है ये डिफरेंशिएटेड होती है, एक सेफेलिक मतलब इसका जो हेड रीजन होता है दिस कॉल्ड द सेफेलिक रीजन. एक एंड को सेफेलिक रीजन कहा जाता है, हेड रीजन को. ये जो है वो बीच में एम्ब्रियोनिक रीजन है, और साइड में जो लास्ट में होगा दैट इज अ कॉडल रीजन, टेल रीजन. ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि इस स्टेज पे जो है ये क्या है,
ब्लास्टोसिस्ट है, उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है ये ब्लास्टोसिस्ट जो आके जो यहाँ पे जो है वो इम्प्लांट होगा, जब वो एम्ब्रियोनल डिस्क बन चुकी होगी तब वो जाके इम्प्लांट हो जाएगा यूट्राइन वॉल एंडोमेट्रियम के ऊपर, ठीक है, एंडोमेट्रियम के ऊपर जाकर ये जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा। अब इम्प्लांटेशन यहाँ पे क्यों होती है, इम्प्लांटेशन यहाँ पे इसलिए होती है, और सेवेंथ डे जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन के सातवें दिन इम्प्लांटेशन होती है जाकर, 7 दिन लग जाते हैं इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूट्रस पे आके इम्प्लांट हो जाती है। अब और ये जो है वो इम्प्लांटेशन इसलिए होती है क्योंकि हमने देखा था पीछे कि जो ओवम होता है उसके साइड में होता है जोना पेलुसीडा। अब जोना पेलुसीडा से जब तक ये जो ओवम है भले ही वो फर्टिलाइज हो गया, जोना पेलुसीडा अभी भी उसके अराउंड है, जब वो पूरी तरीके से उससे हैच हो जाएगा तब जाकर ये यहाँ पे इम्प्लांट होगा, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते तक वो जोना पेलुसीडा से पूरी तरीके से हैच आउट हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये यहाँ पे इम्प्लांट होने के केपेबल है। अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गई एंडोमेट्रियम वॉल में, एंड दिस ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इनसाइड द एंडोमेट्रियम वॉल, दैट इज इम्प्लांटेशन। अभी कैसी होती है इम्प्लांटेशन वो एक बार दिखाती हूँ। ये जो इम्प्लांटेशन होती है ये सेंट्रल टाइप की होती है, इम्प्लांटेशन वाले चैप्टर में हमने अलग अलग तरीके की इम्प्लांटेशन पढ़ी हैं, इसमें जो इम्प्लांटेशन होती है वो सेंट्रल टाइप की होती है, सेवंथ डे पे होती है। अभी फिफ्थ टू एट्थ डेज में क्या होता है इम्प्लांटेशन के लिए, एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो ऑब्वियसली प्रोलिफरेट करती है क्योंकि उसको तो न्यूट्रिशन देना है, तो इसलिए वो डिवाइड करेंगे, उसके सेल्स डिफरेंशिएट करेंगे, और ये सब कुछ जो है वो कौन कंट्रोल करता है, हार्मोनल कंट्रोल होता है ऑब्वियसली। ये तो एस्ट्रोजन्स ग्राफियन फॉलिकल सेक्रेट करते हैं ओवरी के, वहां से एस्ट्रोजन रिलीज होता है वो कंट्रोल करता है, और प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम ग्लैंड ओवरी का सेक्रेट करता है वो इस चीज को कंट्रोल करते हैं दोनों मिलकर। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन तक के इवेंट्स हमने समझ लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम गैस्ट्रुलेशन के बारे में पढ़ेंगे।